गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। इसके पहले हम राजस्थान का एकीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम सामाजिक की पुस्तक राजस्थान का अध्ययन अध्याय 4 जनसंख्या, पाठ का नाम है जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अब किसी भी देश, राष्ट्र, राज्य को उसका विकास जनसंख्या पर प्रभावित करता है। जिस राज्य की, जिस देश की जनसंख्या सबसे कम है वह देश विकसित होता है। जो देश की जनसंख्या अधिक है उस देश या राज्य का विकास धीमी गति से होता है। तो इनके पीछे, विकसित होने के पीछे जनसंख्या का प्रभाव रहता है। अब ये देखना है आपको कि जनसंख्या कौन सा विभाग करवाता है, जनसंख्या जो है जनगणना कितने वर्ष में होती है, सबसे पहले कब हुई थी, कौन सा विभाग करवाता है। तो ये इसके पीछे, तो भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय होता है जो राजस्थान का कहाँ है, जयपुर में। भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना एक निदेशालय यानी ऑफिस कार्यालय होता है जो हमारा राजस्थान में जयपुर में है। ये 10 वर्ष के अंतराल में क्या करता है, जनगणना करता है। जैसे 2001 में हुई थी पहले, फिर 2011 में हुई, अब 2021 में होगी। भारत में प्रथम जनगणना का कार्य 1872 से प्रारंभ हुआ। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, 1872 में। उस समय गवर्नर कौन था, लाल मियो के समय हुई। जो जनगणना 1872 में हुई थी वो पूरे भारत में, पूरे भारत के क्षेत्र में नहीं हुई थी, कुछ क्षेत्रों में हुई थी, इसलिए क्रमवार जनगणना देखते हैं तो 1881 से लाल रिपन के समय से प्रारंभ हुई। क्रमवार से पूरे भारत की जनगणना देखते हैं अपन तो 1881 से हुई है पूरे भारत में, तो और कुछ क्षेत्रों को छोड़कर 1872 में हो चुकी थी। अब पूरे भारत की कब हुई है, 1800। तो सबसे पहले पूछा गया प्रथम भारत जनगणना कब हुई, तो 1872 में हुई। और क्रमवार से पूछा गया कब हुई थी, 1881 से हुई थी। इस समय कौन था, लॉर्ड मेयो का। इस समय कौन था, लॉर्ड रिपन था। 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 6,85,48,437 करोड़। राजस्थान की जो जनसंख्या देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितनी थी, 6,85,48,437 करोड़ थी। भारत की देखते हैं तो 135 करोड़ के लगभग है। तो ये तो अपन तो अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या, जो पूरे भारत की जनसंख्या है उसमें राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो प्रतिशत है 5.7%। कितना प्रतिशत है, पूरे भारत की जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत निकालते हैं तो कितना निकल कर आता है, 5.7% निकल कर आता है। अब किसी निश्चित समय में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन करते हैं। जैसे अपने 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन आए, या तो जनसंख्या बढ़ती है या कम होती है, तो इस बदलाव को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या बदलाव कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। बदलाव होना, परिवर्तन होना, दोनों एक बात है।
परिभाषा क्या है, आपके क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या परिवर्तन किससे करते हैं, तो किसी निश्चित समय में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ये ऋणात्मक यानी कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक। जनसंख्या परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, यानी कम भी हो सकती है जनसंख्या और अधिक भी हो सकती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि दर देखते हैं हम तो कितना है, कुल 21.31%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वृद्धि दर कितनी रही है, 21.31%। तो वृद्धि, वृद्धि पढ़ा था अपन ने, परिवर्तन जनसंख्या में एक निश्चित समय में आए बदलाव को क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ये कम होती है तो ऋणात्मक कहलाती है और अधिक होती है तो धनात्मक कहलाती है। तो पूरे राजस्थान में अपन ने जो जनसंख्या वृद्धि देखी तो कितनी बड़ी, 21.31%, यानी वृद्धि हुई धनात्मक। 2021 की जनगणना से 11 में जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी वृद्धि हुई, 21.31% हुई। अब राजस्थान में 33 जिले हैं, अब ये देखना है सबसे ज्यादा किस जिले में वृद्धि दर हुई और सबसे कम किस जिले में वृद्धि दर हुई। तो सबसे ज्यादा देखते हैं अपन, सबसे ज्यादा वृद्धि वाला दर वाला जिला राजस्थान का है, वह है बाड़मेर। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई, बाड़मेर में हुई। कितने प्रतिशत हुई, 32.5। ये तो पूरे राजस्थान के, पूरे राजस्थान के कितने, 21.31%। हमको देखना है सबसे ज्यादा कौन से जिले की है, तो बाड़मेर की। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किसकी हुई है, बाड़मेर की हुई है, 32.5% हुई है। अब सबसे कम किस जिले की हुई है, तो वह जिला है अपने पास गंगानगर। गंगानगर की कितनी हुई है, 10%, यानी 10.0%। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है बाड़मेर 32.5% के साथ, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है गंगानगर 10% के साथ। अब आता है जनघनत्व। जनघनत्व किसे कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनघनत्व कहते हैं। यानी आप देखिए ये वाला से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रति वर्ग, गणित में पढ़ा होगा आपने वर्ग, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से इस गोल घेरे के अंदर 1 किलोमीटर यूं 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रहते हैं इसके अंदर अंदर, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। तो राजस्थान का जनघनत्व 2011 के अनुसार कितना है, वह है आपके 200, कई जगह आपको 201 भी मिल जाता है। तो 200 हो या 201 दोनों में से एक आता है सर। अब देखते हैं राजस्थान में 33 जिले, 33 जिलों में से सबसे अधिक जनघनत्व वाला है टोटल राजस्थान का जनघनत्व, पूरे राजस्थान का, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला देखें तो जयपुर में, वहां प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 5,595। कितने रहते हैं, 595 लोग रहते हैं। सबसे कम 33 जिलों में से सबसे अधिक वाला तो जयपुर देखा अपने, और सबसे कम कौन सा है, वह है जैसलमेर। कितना है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में 17। अब जनघनत्व कम यहाँ पर क्यों है, वहां का ज्यादा है, ये भूगोलिक स्थितियां प्रभावित करती हैं।
राजस्थान को भौगोलिक आधार पर चार भागों में बांटा गया है, मरुस्थल, मैदान, पर्वत और पठार, ये चार भौतिक भागों में बांटा गया है। राजस्थान को भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। इसके पीछे कम ज्यादा होने का कारण है क्योंकि जैसलमेर जिला मरुस्थल में है, मरुस्थल में उपजाऊ भूमि कम है, रेतीली भूमि होती है, पेड़ पौधे कम है, पानी की समस्या है, इसलिए यहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ का जनघनत्व कम है। इसकी अपेक्षा देखते हैं अपन पूर्वी मैदान में, मैदानी क्षेत्र में समतल भूमि होती है, उपजाऊ जमीन होती है, अनाज का उत्पादन अधिक होता है, पानी के लिए अधिकांश नहरें नदियां हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सबसे बड़ा यही कारण है इसका। एक बार फिर देखिए आप, भारत सरकार के निर्देशन में, यानी जनगणना तो भारत सरकार करवा रही, केंद्र सरकार, उसके निर्देशन में जो मुख्यालय बनाया है जनगणना का, जो कार्यालय विभाग बनाया है, वो राजस्थान का कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 में लाल नियोग के समय हुई थी। सबसे पहले जनगणना कब हुई? 1872 में। करम वार से जनगणना, 1872 की जो जनगणना होती है वो पूरे भारत में नहीं हुई थी, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हुई थी। पूरे क्षेत्र में, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में करम वार से जनगणना हुई 1881 में, लाल विपन के समय हुई। 2011 के अनुसार देखते हैं तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,487,437 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की। कुल जनसंख्या देखते हैं तो कितनी है? 6,85,48,437 करोड़ है। और पूरे भारत की जनसंख्या में अपन राजस्थान का प्रतिशत निकालते हैं तो कितना है राजस्थान का प्रतिशत? 5.7%, यानी पूरे भारत की सबसे कम जन प्रतिशत के हिसाब से 5.7%। सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत में राज्य है कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम वाला कौन सा है जनसंख्या में? सिक्किम। राजस्थान की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार कितनी है? 21.31%। सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला देखते हैं तो बाड़मेर है 32.5%, सबसे कम वाला जिला देखते हैं तो गंगानगर है 10%। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की को जनघनत्व कहते हैं, उनकी संख्या को। 2011 के अनुसार जनघनत्व कितना है राजस्थान का? टोटल 200। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर 595। सबसे कम है जैसलमेर 17।